बधाने राम राम। हूँ आग्रह तमारी वस्तु मुकेश पर पार खबर है आज बात करी जेव रीते आज युवा आने के युवा सम्मेलन कर मोबिलाइजर जे सुरा जे सरकार की योजना घेर घेर फलाय फलाय बताड़े तिना आज सम्मेलन राख्यू तीन में मुख्य अतिथि तौर पर आयो जो अपना आदिवासी ने समाज ने जो प्रतिनिधित्व करें क्योंकि जो सरकार में सलाहकार बनाए मिले मुख्यमंत्री नो सचिव करी से हमारे आते लक्ष्मण जी मरका। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज में राम राम। राम राम। आज झाबुआ पहुँचे हैं, झाबुआ पहुँचे हैं और युवा संवाद किया, क्या उद्देश्य था? देखिए झाबुआ से पुराना नाता रहा है, मेरे पिताजी मेघनगर राणापुर जब मैं छोटा था तब यहाँ पर पदस्थ रहे तो सुबह आना होता था और सांस्कृतिक रूप से झाबुआ से एक दिल का रिश्ता है। आज युवा आयोग के मंच पर झाबुआ का विजन इसको लेकर युवाओं के बीच संवाद रखा था कि अगले 15 वर्षों में झाबुआ का विकास किस दृष्टि से हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की और मोदी जी की योजनाओं से कैसे युवाओं को लाभ हो रहा है, उस दृष्टि से एक संवाद रखा था जिसमें 600 से अधिक युवाओं ने अपनी सहभागिता की और उनके बीच में माननीय मोदी जी की और माननीय शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं से कैसे युवाओं का भविष्य निखरेगा इस पर युवा संवाद। दूसरा, युवा आयोग की ओर से कहीं योजना है जिसमें युवाओं को बैंक सहयोग नहीं करती, उसके लिए कुछ अपनी ओर से कुछ सुझाव आयोग की ओर से? हाँ, इसमें हमने जो एक रचना की है कि अभी ये तय किया है कि युवा आयोग के बैनर तले एक युवा कैंप आयोजित किया जाएगा जिसमें जो हमारी टंट्या मामा योजना है या अम्बेडकर योजना है जो बाकी योजनाओं में जो कार्रवाई पेपर वर्क में जो कमी रहने के कारण हमें लोन नहीं मिल पाता युवाओं को, उसको दूर करने के लिए बैंकिंग के अधिकारियों के साथ में हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनके साथ में कैंप आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो लोन है योजनाओं के माध्यम से। दूसरा, मामा ने कल राखी के लिए बहनों के नया तोहफा दिया, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये महिला सशक्तिकरण का एक अभियान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये देश में एक अपने ही तरह का मोटा अभियान है क्योंकि वो उनके स्वाभिमान को भी बढ़ा रहे हैं, सशक्तिकरण भी हो रहा है और गांव गांव में जब महिला सशक्तिकरण होगा, जब महिला सशक्त होगी तभी समाज सशक्त होगा, इस माध्यम से ये शुरुआत की जा रही है और उन्होंने कल घोषणा की है कि अक्टूबर माह से 1250 रुपये का बहनों को तोहफा मिलेगा। उनकी रसोई घर की एक समस्या थी जिसके लिए उन्होंने कहा कि 450 रुपये में उनको अभी वर्तमान में सावन मास में उसकी व्यवस्था की जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 35% बहनों को भी अधिक से अधिक नौकरियों में उनका क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा, मतलब कि उनके समाज के आरक्षण की अपेक्षा 33 से 35% बहनों को भी मौका मिले ये भी किया जाएगा। और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली के बिल की भी बात आ रही थी उसमें भी ये घोषणा की है कि जो ग्रामीण बिजली कनेक्शन है उसको 100 रुपये में उनके बिल तक की जो ये 4-5 बातें कल उन्होंने घोषणा की है, इससे बहुत उत्साह है। पैसा एक्ट का जो आपने अभी जारी करा है जिसमें कहीं पैसा मोबिलाइजर भी है, तो कहीं ना कहीं अब पैसा एक्ट में कितना क्रियान्वित हो चुका है, उसका आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है? देखिए जैसा मैंने बताया 2002 के आंकड़े मैंने रखे और 2022-23 के आंकड़े रखे, आप देखें कि एक बहुत बहुत प्रगति हुई है। पैसा भी एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति में समाज की सहभागिता जैसे जैसे हो रही है तो हमें इसके परिणाम दिखने लगे। सबसे पहली बात यह है कि जागृति आई है, जागृति में जो आपसी विवाद झगड़े होते थे जो कहीं थाने जाते थे कोर्ट कचहरी तक जाते थे, अब वो गांव स्तर पर ही आपसी संवाद से गांव बूढ़ा परंपरा पटेलिया परंपरा इन सबसे वो विवाद जो छोटे विवाद स्वयं बीच के रास्ते से निपट सकते हैं वो विवाद अब निपटने लगे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये बात आ रही है कि जो गांव में जो कुरीतियां हैं जहां कहीं पर शराब की कहीं पर बात है उसके लिए भी अगर किसी मेले या किसी दिन पर अगर कुछ बात है तो गाँव के लोग निर्णय ले रहे हैं कि गाँव में शराब की दुकान होना कि नहीं होना, ऐसे जो विषय हैं। और जल जंगल जमीन मजदूर महिलाओं और जो संस्थाओं की बात हो रही है वो इस पर सशक्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमने अभियान चलाया था मिड डे मील के लिए, तो हमारे पूरे पेशा के जो ग्राम समितियों के अध्यक्ष हैं उन्होंने जाकर स्कूलों में भी भोजन स्वयं उनके साथ किया और उसकी गुणवत्ता के सुधार की बात की। देखिए जो सामाजिक क्रांति होती है वो एक रात में नहीं आती, उसके लिए समाज को साथ में लेकर चलना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि समाज अब उठ खड़ा हुआ है, धीरे धीरे समाज ने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू किया है और गांव के विकास से देश का विकास यही पेशा कानून की एक बड़ी प्रमुखता है। तो जैसे ही गांव का विकास होगा हमारे जनजातीय क्षेत्र का विकास होगा और हम भी देश के विकास में अपना सहभाग कर पाएंगे, इसी उद्देश्य से पेशा कानून और जो नियम बनाए हैं वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। दूसरा, एक झाबुआ और आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ
एक बाबा देव के नाम से एक तीर्थ स्थल है, यहाँ अपनी ओर से क्या उनको बेहतर बनाना या टूरिस्ट किस टाइप को बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा एक हमारा सुझाव है हमारे इसमें न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार तक बात रख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात और अन्य राज्यों से भी आदिवासी समुदाय वहाँ बड़े स्तर से आते हैं, लेकिन कहीं सुविधाओं की वहाँ कमी है, व्यवस्थाओं की? बिल्कुल, बहुत स्वागत योग्य आपका वो है। बाबा देव, बड़ा देव, महादेव सब हमारे आराध्य हैं और जनजातीय समाज की तो आस्था शिव में ही है, बाबा देव बड़ा देव में। अभी हमने एक स्तर पर 381 ऐसे तीर्थ स्थल जनजातियों को चिन्हित किया है और लगभग 7.5 करोड़ रुपए में प्रत्येक स्थल के आसपास की सुविधाओं की विकास के लिए अभी आवंटन किया है। और ऐसे कुछ जो बड़े तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर, ये तो 381 हमने गांव के स्तर के जनजाति जो अपने बाबा देव स्थल हैं, इंदल देव स्थल हैं, इस तरह के की है, लेकिन अगर कहीं पर समाज कहता है कि जहाँ पर 5000 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उस पर भी हम एक चर्चा कर रहे हैं, सुझाव आपका स्वागत हो कि उस पर भी आगे कलेक्टर के माध्यम से बात करते हुए इस पर भी प्रयास करें। तो ये हो तो आपका मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी ने जो मुद्दा पर सलाहकार बनाए मिलती हूँ जो बात करें जब रीते समाज में कहाँ कहाँ ना मुद्दा से पर चर्चा करवाड़ो लक्ष्मण जी मरकाम से तीन हाथ बात करी जैसे रीते आज युवा कल युवा सम्मेलन झाबा बताए तो युवा सम्मेलन में आए की सरकार की योजना केतरी घेर घेर तक उगेरी तिना जो सोरा जे कल्याणकारी जो सोरा बनाए मिले जो युवा से तिहुन इन योजना में विस्तार करे तो तिना बारह मास फिर बता रहा है तुम समझा रहा है कि आपकी योजना फिर पुगेरी नहीं पुगेरी तो हेवी रीते हूँ तुम्हारे उसमें मुकेश वर्मा फिर हेवी खबर जानकारी भी नाप तो काका बाब दा राम राम। एक भी आदिवासी नहीं मरा, वो उतने दिन झाड़ पे जंगल में क्या खा के रहना उसको पता है, इधर खड्डा खोदा कंद मिल गया खा लिए रह लिए, बाकी को पैकेज पानी नहीं मिला तो और पेट खराब हो गया। तो आदिवासी आदमी जो है प्रकृति पूजक है, वो कैसे भी रह के जी लेता है। ऐसा अंदमान में सुना कि सुनामी आई थी, अपन लोग सब प्रकृति के आदमी है, प्रकृति पुत्र है, माटी पुत्र है, अपन प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा कम ज्यादा मिलेगा लेकिन रात भर नाचेंगे कि नहीं, रात भर जश्न मनाएंगे जो कुछ मिला है। अच्छा आपको पता है आदिवासी की प्रार्थना में कोई मांगता नहीं है, अपन लोगों के जो गीत भजन है बोले हमको तो सब कुछ दे दिया है, हमारा भाव तो देने का है। क्या भाव है अपना? हम देंगे, हमको इतना दिया है, अपन को इसी के आगे कटोरा थोड़ी गलत, अपन अपने नमक की कीमत करते हैं। तो ये जो आदिवासी की असली पहचान है, अभी कुछ दिन पहले एक बड़े आदिवासी एक बड़े वो हैं डॉक्टर साहब, तो गुजरात से एक दीदी को लाके भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, नाम बताओ किसी ने सुना, पोस्टर लगे हुए हैं। ये नौबत आ गई कि आदिवासी युवाओं के बीच में आपको कोई महिला को लाकर नृत्य कराना पड़ रहा है आदिवासी की बात करने के लिए, संभव है क्या? अपन आदिवासी की एक घंटे बात की 4 घंटे और कर सकते हैं, आपको बोर नहीं होगा, जरूरत है क्या कोई नाचने वाले की? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं? जब अपन अपनी बात करते हैं तो जैसे रात भर नाच सकते हैं वैसे रात भर अपन अपनी बात भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है हम 5 अनुसूची लाएंगे 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 लाएंगे, आने के बाद खुश, पैसा कानून किसने बनाया? मामा जी ने, पैसा नियम लाया मामा जी ने। अब थोड़ा धैर्य रखो, 2002 से 2023 तक इतना काम किए, पैसा तो भी 1 साल नहीं हुआ, अभी पैसा में भी काम करेंगे, ठहरो जरा, वो ऐसा ही आता ना वीडियो, ठहरो जरा बताएंगे, अभी 1 साल हुआ है, अभी सब बताएंगे, पैसा में भी काम करके दिखाएंगे। तो जो पैसा लाए हैं, ये गाना है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो बोलेंगे जो पैसा लाए हैं हम उनको, मेरे साथ बोलो जो पैसा लाए हैं ना, मामा जी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, बोलो मामा जी को फिर से हम गद्दी पे बिठाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ आपने आपके एक आदिवासी भाई की बात सुनी, आपकी पीड़ा, मेरे विश्वास है कि आपको अगर सही रास्ता और सही मार्गदर्शन मिले तो हम सब स्वावलंबी बन सकते हैं। देखिए हर कोई तो हाई स्कूल का टीचर नहीं बन सकता, गांव में 2 स्कूल है, 10 ही टीचर हैं, तो बाकी क्या करेंगे, उसको मार देंगे क्या? नहीं, तो बाकी और विकल्प देखेंगे, कोई ये करेगा कोई वो करेगा, लेकिन एक गारंटी है जो मामा जी कहते हैं, मामा जी की एक गारंटी है, मामा जी 10 गारंटी नहीं देते, एक आदमी 9 2 11 की गारंटी दे रहा था।
वो आदमी का नाम नहीं बता रहा, बड़ा आप देख लेना। 9-2-11 का मतलब क्या होता है? 9-2-11 मामा जी की एक गारंटी है। मामा जी गारंटी की अपनी बहनों की मासिक आय 10,000 रुपए तक करने का प्रयत्न है। 3,000 तो मामा जी देने वाले, 7,000 बचा है। तो 7,000 हम युवा आयोग के माध्यम से करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये जो 10,000 प्रति माह महिलाओं की बहनों की आय की गारंटी, वो मामा जी की गारंटी है। और जो मामा जी कहते हैं वो, फिर से बोलो, मामा जी जो कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं, कुछ कमी पेशी रही तो आपका मरकाम भी धक्का लगाए। तो आपने मुझे सुना, आपके सामने तथ्य भी हैं और विजन भी है। मिशन के लिए युवा आयोग आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना? विजन है, मिशन क्या है, युवा आयोग है, जो युवा आयोग बना है, जिले जिले तक युवा आयोग बनेगा, आपके प्रशिक्षण की और आपकी बाकी चीजों की व्यवस्था करेगा। बस आपके आदिवासी भाई का एक ही आग्रह है, वो जो कांच के बर्तन में ना रेत मत भर लेना, अब फिर बोलना जगह नहीं है। बड़ी समस्याएं पहले सुलझाएंगे, धीरे धीरे सुलझाएंगे, और सुलझी हैं। ये तथ्य हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि सुलझी हैं, उन समस्याओं को सुलझाना है, ठीक है ना? और वास्तव में हम युग के वाहक युवा बनेंगे, वो ऊपर से पैराशूट से आए वाले युवा नहीं, जमीन से जुड़े वाले युवा, ठीक है? तो आपके बीच का आदमी आपकी समस्या सुलझाएगा। और हर आदिवासी में उतनी क्षमता है, भील बिलाला बारेला पटेलिया गोंड प्रधान कोल, मैं तो 40 के 40 नाम ले सकता हूँ, ठीक है? हर एक समाज की क्या विशेषता है बता सकता हूँ, ठीक है? सबकी संस्कृति क्या है बता सकते हैं, अपनी भाषा क्या है बता सकते हैं, अपना नृत्य क्या है बता सकते हैं, अपनी जड़ी बूटी क्या है वो बता सकते हैं, अपना परिधान क्या है बता सकते हैं। बाकी लोग तो खाली कोक की बोतल और पैकेट पानी वाले हैं बाहर। तो क्या क्या चाहिए? मामा जी चाहिए कि वो 9-2-11 चाहिए, ठीक है? तो मैं मामा जी का दूत हूं कि नहीं हूं? मोदी जी का दूत हूं कि नहीं हूं? और राम जी का दूत हूं कि नहीं हूं? तो राम दूत अतुलित बल धामा, तो बल बहुत है, बस अपनी शक्ति को पहचानना है। और एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।